Today's topic is biological clocks, unicircadian rhythms. Biological clocks and circadian rhythms in plants. So what are biological clocks? These are basically the clocks that control the activities of plants, that control the functions of plants with the change of day to day, yearly, or seasonal changes. So what are biological rhythms? Living things की जो behavior activities हैं वो change होती हैं, वो repeat होती हैं at regular intervals. So ये behavior activities क्या होती हैं? ये होती हैं उनकी ऐसी activities organisms की जो किसी stimulus के नतीजे में वो perform करते हैं. ये स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, या फिर बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन भी. तो ये बिहेवियर एक्टिविटीज इनेट भी होती हैं या फिर डिवेलप होती हैं थ्रू एक्सपीरियंस. तो प्लांट्स के अंदर ये जो एक्टिविटीज हैं ये इनेट होती हैं और ये इंक्रीज करती हैं इनके फिटनेस को, यानी उनको उनके पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिदम इज सर्केडियन, यानी डायअर्नल रिदम. ये रिपीट होता है आफ्टर 24 आवर्स, यानी ये पीरियडिसिटी शो करता है ऑफ 24 आवर्स और वन डे. प्लांट्स के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होता है, एक इंटरनल टाइम कीपर होता है जिसे हम सर्केडियन क्लॉक कहते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल स्टिमुलस लाइक लाइट, टेम्परेचर, फोटो पीरियड. और ये जरूरी होता है वो फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फिटनेस. तो प्लांट्स जो हैं वो डेली टू डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डे लेंथ, टेम्परेचर एंड लाइट. नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोरिदम इज सर्क एनुअल. सर्क एनुअल इसे हम ईयरली बायोरिदम भी कहते हैं क्योंकि ये 365 डेज के बाद रिपीट होता है. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स लाइक लीफ जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, लीफ फॉल इनकी हैं. और ये कंट्रोल होता है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक चेंज इन टेम्परेचर. तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका बहुत से एनवायरमेंटल चेंजेस का सामना करना पड़ता है जो कि साइक्लिकल होते हैं इन नेचर, यानी ये रिपीट होते हैं आफ्टर सम टाइम. इसमें एग्जांपल्स हैं डेज की, टाइड्स की और सीजन्स की. तो इनकी चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हैं प्लांट्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. प्लांट्स जो हैं वो अपने इंटरनल रिदम और क्लॉक को मेंटेन कर लेते हैं टू प्रिडिक्ट द ऑनसेट ऑफ पीरियडिक चेंजेस. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर सीजन चेंज होने वाला है तो प्लांट्स उससे पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं नेक्स्ट सीजन की एक्टिविटीज परफॉर्म करने की. इस तरह से ये अपने आप को चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रखते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, ताकि जब सीजन चेंज हो तो उस वक्त क्या कर सकें, या अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें और सर्वाइव कर सकें. कुछ बायोरिदम्स जो हैं हमारे पास उसकी एग्जाम्पल है एग्जोजिनस रिदम्स. ये क्या है? दीज आर डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ये एक ऐसी पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज हैं जो इन्फ्लुएंस होती हैं बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक लाइट, टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है सर्केडियन बायोरिदम्स की. कुछ बायोरिदम्स हमारे पास जो हमें जो देखने को मिलती हैं प्लांट्स के अंदर वो होती हैं एंडोजिनस, यानी इंटरनल रिदम्स. ये वर्क करती हैं विद एग्जोजिनस टेम्परल पीरियड, पर्टिकुलरली 24 आवर और 365 डे पीरियड. ये ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बिल्ट इन होती हैं, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती हैं और डिपेंड करती हैं एक्सटर्नल कंडीशंस पे, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पे. और उसके अकॉर्डिंग जो हैं ये चेंज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़. तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है बोथ 24 आवर और 365 डे पीरियड की, यानी डायर्नल रिदम्स एंड सर्क एनुअल रिदम्स की. तो रिदम्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑलरेडी उनके जीन्स के अंदर क्या होती हैं,
प्रोग्राम्ड होती हैं, बिल्ट इन होती हैं और डिपेंड करती हैं एनवायरनमेंट के चेंजेस पे। जब तक एनवायरनमेंट उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती तब तक ये जो है एक्टिवेट नहीं होती। तो टाइमिंग ऑफ बिहेवियर जो है वो कॉम्बिनेशन होती है बोथ इंटरनल प्रोसेसेस एंड एनवायरनमेंट।